उत्तर भारत में विख्यात चंपावत जिले में स्थित मां पूर्णागिरी के मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन ने इस बार दिव्यांग, बुजुर्ग और बच्चों के लिए डोली और डोके की व्यवस्था की है। केदारनाथ धाम की तर्ज पर निर्धारित शुल्क देकर श्रद्धालु इनका लाभ ले सकते हैं। गौरतलब है कि होली के बाद 30 मार्च से 30 अप्रैल लगभग एक महीने तक मां पूर्णागिरी मेले का आयोजन होगा। मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम टनकपुर हिमांशु कफलटिया ने बताया कि लंबी लाइन के कारण दिव्यांग, बुजुर्ग और बच्चों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए इस बार डोली और डोके की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों की मदद से इस व्यवस्था को बनाया गया है। पूर्णागिरी धाम में भैरव मंदिर से मुख्य मंदिर तक 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता होता है, लेकिन उसमें कई ऐसे वृद्ध लोग आते हैं या कोई बीमार लोग आते हैं और खास कुछ छोटे बच्चे आते हैं जिनके लिए वो यात्रा काफी कठिन हो जाती है। तो उन ऐसे लोगों के लिए यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस बार हमारी मेला समिति ने निर्णय लिया था कि इस बार हम डोली और डोके इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य कमल रावत ने बताया कि मेला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में सुझाव दिए गए थे। हमने 5 डोली और 10 डोके की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर स्थानीय लोगों की मदद से इस सुविधा को और बढ़ाया जाएगा। हम माता रानी के इन लोगों को दर्शन करा सके और उसमें हमने फर्स्ट में अभी 5 डोली और 10 डोके की व्यवस्था की है, लेकिन जैसे जैसे वो संख्या बढ़ेगी तो हम उसको बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि एक तो लोग श्रद्धालु माता के दर्शन कर पाएंगे और दूसरा जो यहाँ के हम इनको क्षेत्रीय युवाओं को लेकर जहाँ खासा उत्साह है युवाओं में ये काम करने का और उनको एक रोजगार भी मिलेगा इससे,